स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जिगबोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9 का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का दोस्तों कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा, दोस्तों उसका 100%, ठीक है, 100% दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें दोस्तों आपका टोटली 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है, और आपका जो 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। सारा क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर कीजिएगा, और इतना मेहनत के लिए दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह और भी आगे का वीडियो पाने के लिए, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर का। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, अच्छी तरह से आपको बताते हैं, तो इतना जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए तो 100% दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन, ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन को आज किस वीडियो में हम लोग सोल्व करते हैं, जिसके माध्यम से आप जो कल जो वीकली टेस्ट में 40 में से 40 नंबर गर्दा मचा कर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों क्लास 9 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर को आज किस वीडियो में सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सबसे पहले सेक्शन ए का प्रश्न है। सेक्शन में सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन है, और आपको पता है जो कि आपका 20 नंबर का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 20 नंबर एमसीक्यू में पक्का करेंगे, ठीक है। फिर से बोले दोस्तों लाइक नहीं किया, दोस्तों एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न दोस्तों कहता है रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे। तो रायका समुदाय के जो लोग है दोस्तों कौन से राज्य में रहते थे, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है, इन विच स्टेट डिड द रायका कम्युनिटी लिव, ठीक है। तो रायका समुदाय के जो लोग है दोस्तों कौन से राज्य में रहते थे, तो राजस्थान राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख है इसका करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन बता रहे उसी को कल आप जो वीकली टेस्ट में सही करके आएगा, ठीक है, तब आपका जो 40 में 40 नंबर आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों दो नंबर का आता है अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है। तो अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता है, तो सबसे पुराना चरवाहा को दोस्तों हम लोग देखिए बुनी भी दिया गया, मसाई भी दिया गया, रायका भी है, और इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा मसाई, ठीक है। मसाई को जो है अफ्रीका सबसे पुराना चरवाहा कबीला कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो का ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों तीन नंबर आपसे प्रश्न पूछा है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था, ठीक है। औपनिवेशिक सरकार ने दोस्तों अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया था, तो ये जो आपका पारित हुआ था दोस्तों आपका 1871 ईस्वी में, कब 1871, ऑप्शन नंबर घ इसका हो जाएगा कॉरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं चार नंबर क्वेश्चन, चार नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है बाबर, ठीक है, भाभर किसे कहते हैं, तो भाभर किसे कहते हैं दोस्तों, व्हाट इज ए भाभर कॉल्ड, तो भाभर किसे कहते हैं, तो जो भाभर है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका को ही भाभर कहते हैं, यानी कि गो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप क्लास 9 के विद्यार्थी हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों एक बेहतरीन गेस पेपर को लेकर आए हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से दोस्तों आप फाइनली बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों उस गेस पेपर का नाम ही है तहलका गेस पेपर, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इसको खरीदना है तो मात्र दोस्तों आपको जो 30 रुपया में ये जो गेस पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा, तो यहां पर एक नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तों आप जो गूगल पे पेटीएम किसी भी नंबर से, ठीक है, किसी भी बार कोड से आप पे कर दीजिएगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको तहलका गेस पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है, और मात्र दोस्तों 30 रुपया में ऑल सब्जेक्ट आपको मिल जाए, तो जल्दी जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, ऑफर बहुत कम है, ठीक है, और दोस्तों आपको जो गेस पेपर ऑनलाइन व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। चलिए आगे पांच नंबर दोस्तों कहता है कि मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से कब बनाए गए, ठीक है, तो मसाई लैंड के जो दो बराबर हिस्से बनाए गए थे वो दोस्तों कब बनाया गया था, तो व्हेन वाज टू इक्वल पार्ट्स ऑफ ए मसाई लैंड मेड, तो देखिए दोस्तों 1885 ईस्वी में, ठीक है, मसाई लैंड के दो को भाग बना दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए छह नंबर दोस्तों कहता है कि सेनेगेटी नेशनल पार्क किस देश में है, तो सेनेगेटी नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, तो ये दोस्तों आपको बताना है कहाँ है, अमेरिका में, अफ्रीका में, या फिर ईरान में, या फिर भारत में, तो भारत में तो है ही नहीं, तो लेकिन अफ्रीका में, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा जो है करेक्ट ऑप्शन 6 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, सात नंबर कहता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल रिपर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था,
तो मैकेनिकल रिपेयर का जो आविष्कार है दोस्तों कब हुआ था, इन विच ईयर्स वाज द मैकेनिकल रिपेयर इन्वेंटेड, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो 1831 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर खा इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फिर से बोले दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया जब सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, इस चैनल से जरूर जुड़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया जरूर से एक बार शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए 8 नंबर का था, कौन सा देश विश्व की रोटी की टोकरी का रोटी का टोकरी बन गया, ठीक है। कौन सा देश दोस्तों विश्व का वर्ल्ड का रोटी का टोकरी बन गया, यानी कि रोटी का टोकरी किसे कहा जाता है, तो रोटी का टोकरी दोस्तों अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर खा इसको जगह करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अमेरिका को रोटी का टोकरी कहा जाता है। चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर बढ़ते हैं, तो 9 नंबर का था, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि अधिक गेहूं बो और जो गेहूं युद्ध जीतोगे, ठीक है। कौन कहा था दोस्तों, कौन अमेरिका राष्ट्रपति कहा था कि जो है अधिक गेहूं बो यानी अधिक गेहूं उपजाओगे तो गेहूं युद्ध जीतोगे, कौन कहा था, तो ये कहने वाला नाम है राष्ट्रपति विल्सन, ठीक है। राष्ट्रपति विल्सन जो कि अमेरिका राष्ट्रपति था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर कहता है, इंग्लैंड में धनी किसानों को धमकी भरे पत्र किस मिथकी काल्पनिक नाम से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लैंड में धनी किसानों को धमकी भरे पत्र किस मिथनिक काल्पनिक नाम से लिखे जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, ठीक है। कैप्टन स्विंग इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी हम लोग जो है 10 एमसीक्यू प्रश्न को देखें, ठीक है। कितना 10 एमसीक्यू प्रश्न है, कितना नंबर पक्का हुआ, तो 20 नंबर दोस्तों जो है पक्का हो गया। चलिए 20 नंबर सब्जेक्टिव में पक्का करते हैं, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब जैसे कीजिए, ठीक है। और गेस पेपर को दोस्तों नहीं खरीदें, जरूर से खरीद लीजिए, मात्र 30 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है, 30 रुपये में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर कहता है, क्या कहता है कि बुग्याल क्या है, ठीक है। बुग्याल मतलब दोस्तों क्या होता है, आंसर में लिखना, बुग्याल शब्द का अर्थ है पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, भूगोल के शब्दों में इन्हें सवाना भी कहा जाता है। बुग्याल मतलब होता है क्या, बुग्याल मतलब देखिए जो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ पर जो भी ऊंचा ऊंचा स्थान है, ठीक है, ऊंचा स्थान पर स्थित घास का मैदान, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ पर ऊंचा स्थान, यहाँ पर घास उपजा हुआ, ठीक है, उस मैदान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, भूग्याल कहते हैं, जिसको भूगोल के शब्द में दोस्तों सवाना भी कहा जाता है, ठीक है। भूगाल को सवाना कहा जाता है, अगर इतना भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई, जो कृषि क्रांति हुआ था सबसे पहले कब हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था, ठीक है, कब तो पूछा ही नहीं है। तो कृषि क्रांति दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है, कृषि क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में दोस्तों सबसे पहले कृषि क्रांति हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर आपसे पूछा गया है कि भारत के कुछ राज्यों के चरवाहा समुदायों के नाम लिखे हैं, ठीक है, थीके? तो लिखना है गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर के घुमंतू चरवाहे, गुज्जर बकरवाल एक आपका जो चरगाह है, ठीक है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर के घुमंतू चरगाह है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गद्दी हिमाचल प्रदेश के घुमंतू चरवाहे, धंगर महाराष्ट्र के घुमंतू चरवाहे, कुरमा, ठीक है, कुरमा कुबला तथा गोल्ला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के चरवाहे, बंजरे उत्तर प्रदेश, पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के घुमंतू चरवाहे, रायका राजस्थान के घुमंतू चरवाहे आदि प्रमुख हैं, जो कि आपका भारत का कुछ आपका राज्यों का चरवाहे है, जिसका नाम दोस्तों इस प्रकार से लिख दिया गया, ठीक है। गुज्जर बकरवाल है, ठीक है, गद्दी हिमाचल प्रदेश का घुमंतू चरवाहा हो गया, ठीक है, और आपका धंगर महाराष्ट्र का घुमंतू चरवाहा हो गया, ठीक है, कुरमा हो गया, कुबला हो गया, तो बहुत सारे नाम दोस्तों लिख दिए हैं, आपको सबको सब लिखना, तब आपको जो 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं 14 नंबर, तो 14 नंबर का प्रश्न कहता है, इंग्लैंड के गरीब किसान थ्रेसिंग मशीन का विरोध क्यों कर रहे थे, ठीक है, थ्रेसिंग मशीन का विरोध आखिर के यानी कि उसका जो है विरोध में क्यों थे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उसका विरोध में इसलिए थे क्योंकि इंग्लैंड के गरीब किसान से आपका जो थ्रेसिंग मशीन का विरोध, यहाँ थ्रेसिंग ले लिया, ठीक है, ये जो आप स्पेलिंग है उसी को लिख लिया, ठीक है, थ्रेसिंग मशीन का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसने फसल की कटाई के समय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर कम कर दिए। थ्रेसिंग मशीन के द्वारा दोस्तों क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा से फसल, ठीक है, बहुत मात्रा में जो खेत में जो फसल होता है उसको आसानी से थ्रेसिंग मशीन के द्वारा काट लिया जाता। अगर दोस्तों थ्रेसिंग मशीन ना आता तो जो है जो भी रोजगार है, जो भी खेत में काम करता है, ठीक है, उसका रोजगार जो छीन लिया जाता है। इसलिए दोस्तों जो इंग्लैंड के गरीब किसान होता था, ठीक है, वो थ्रेसिंग मशीन का विरोध करता था, ठीक है, अपना भाषा में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए फसल की कटाई के समय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर कम कर दिए। इससे पहले मजदूर खेतों में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विभिन्न काम करते हुए जमींदारों के साथ बने रहते थे, ठीक है, विभिन्न काम करते हुए किसके साथ, जमींदार के साथ बने हुए रहते थे। बाद में
ठीक है, बाद में उन्हें केवल फसल कटाई के समय ही काम पर रखा जाने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर एक बार लिख लीजिएगा कि इंग्लैंड में जो थ्रेसिंग मशीन था उसका विरोध इसलिए करते थे क्योंकि जो वो व्यक्ति थे जो रोजगार करता था खेत में, ठीक है, वो जो उसका रोजगार छीन लिया जाता था, ठीक है, थ्रेसिंग मशीन के द्वारा, इसलिए इसका विरोध करते थे। फिर से दोस्तों एक बार हम लोग रिपीट करना चाहेंगे, अगर आपको गैस पेपर चाहिए बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी धाकर तरीका से तहलका मचाना चाहते हैं वाक्य में, ठीक है, मात्र दोस्तों आपको 30 रुपए में गैस पेपर को मिलेगा। ठीक है, क्या कहां मिलेगा इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना, जल्दी जाइए क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों। इसका जो प्राइस है वो 50 रुपए, लेकिन अभी आपको जो 30 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है, मात्र दोस्तों 30 रुपए में आपको क्लास नाइन का गैस पेपर मिल जा रहा है जिसका नाम है तहलका गैस पेपर। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों आपको जो है बार कोड भेजा जाएगा, ठीक है, पेटीएम यूपीआई किसी भी अन्य पेमेंट से आप जो पेमेंट कर दीजिएगा, आपको गैस पेपर व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन का झमेला नहीं है, व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। अब दोस्तों बात रहता है सर 15-16 आंसर आप क्यों नहीं बताते हैं, तो आपको पता है कि सर हम जो 15-16 का जो आंसर है वो कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम सो रहा है जो आपको गूगल में जाना चाहिए, ठीक है, गूगल में इसको सर्च कीजिएगा jharkhabar24.com, ठीक है, जो लिखा स्पेलिंग स्पेलिंग को गूगल में सर्च कीजिएगा या फिर टेलीग्राम में जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, 15-16 से लेकर 1 से लेकर 14 तक यानी कि सारा का सारा प्रश्न आपको मिल जाए, तो जल्दी जाइए क्लिक कीजिए और पढ़िए और एग्जाम में तहलका मचाइए और गेस्ट पेपर को जरूर बाय कीजिए। मिलते हैं हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो में, ठीक है।